भारत विकास परिषद द्वारा रामपुर में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की 6 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद बच्चों में देशभक्ति की भावना तैयार करना और उन्हें भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ते हुए संस्कारी करना है। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कर्नल गौरव थापा ने बच्चों को देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया, जबकि विशेष अतिथि के तौर पर अजय श्रीवास्तव भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के बदावा थे। समूह गान प्रतियोगिता में 2 भाषाओं में हिंदी व संस्कृत में प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में हिंदी व संस्कृत में प्रथम दूनी बैली नालागढ़, संस्कृत में द्वितीय सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला, हिंदी में द्वितीय दून बैली पौंटा, हिंदी में तृतीय सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला, जबकि संस्कृत में तृतीय दून बैली पौंटा रहे। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के बदावा ने बताया कि 2 भाषाओं में राष्ट्रीय गीत हिंदी व संस्कृत में प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रथम आने वाले को 10 नवंबर को सिरसा में क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उसके बाद प्रथम आने वाले को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो कि गुजरात में होनी है, वहां हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके आयोजन का मुख्य मकसद बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करना और संस्कारित करना है, ताकि बच्चे अच्छे संस्कार को लेकर देश के लिए काम कर सकें। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में गीत के माध्यम से अच्छे संस्कार देना, देशभक्ति की भावना पैदा करना, इसके साथ साथ समाज के समग्र विकास में काम करना है। सोलन जिला में सियासी माहौल एक बार फिर से गर्मा चुका है। भाजपा और कांग्रेस वार्ड नंबर 4 में जीत कैसे हासिल कर सके, इसके लिए रणनीति भी बना रहे हैं। सोलन नगर परिषद में वार्ड नंबर 4 में उपचुनाव हो रहे हैं। यहां भले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां अधिकृत प्रत्याशी को मैदान में उतारने और उसके समर्थन में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। भाजपा की तथाकथित प्रत्याशी स्वाति ने पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वार्ड के जो भी कार्य पूर्व पार्षद की अकस्मत मृत्यु के उपरांत अधूरे रह गए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भाजपा का समर्थन मिला है और उन्हें फिर से चुनाव लड़ने को कहा गया है, तो वे भी भाजपा नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। आपको बता दें कि सोलन के वार्ड नंबर 4 पर महिला आरक्षित सीट से अपनी पूर्व प्रत्याशी स्वाति पत्नी संजय तनवर को मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है। स्वाति के नाम पर भाजपा नेताओं ने एकजुटता से हामी भरी है। स्वाति नगर परिषद के मुख्य चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस कृष्णा देवी से 45 मतों के अंतर से हार गई थी। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटल केंद्र देहरादून की ओर से जिला सोलन की नौणी पंचायत में कानून साक्षरता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी सशक्तिकरण एवं समाधान खोजने के लिए उच्च न्यायपालिका एवं महिलाओं के समूह के साथ राज्य स्तरीय चर्चा आयोजित की गई। आपको बता दें कि शिविर के दौरान जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, तो वहीं सरल तरीके से महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। अलग अलग खेलों व तस्वीरों के जरिए महिलाओं के समूहों को कानूनी तौर तरीके बताए गए। शिविर में महिलाओं के मौलिक अधिकारों के अलावा सरकार की योजनाओं में कैसे भागीदारी करें आदि के बारे में उन्हें जागरूक भी किया गया। अवधेश शर्मा ने बताया कि रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून की ओर से जिला सोलन के नौणी में कानून साक्षरता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर के दौरान जहां महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया, तो वहीं बहुत सरल तरीके से महिलाओं को कानून संबंधित अन्य जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई।